मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये क्या है? हाँ तो मेरा घर है, मेरे कपड़े, मैं जो चाहूँ करूँ। ठीक, आपके कपड़े, आपका सूटकेस, आपकी शूट, खुद पैक कर लो। अरे मजाक कर रहा था सर, हमेशा तुम्हारे नाक पर चढ़ा रहते हैं। मजाक कर रहे थे? और नहीं तो क्या? क्यों? वो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सब करके? और नहीं तो क्या? अब देखो, अगर मैं तुम्हारा काम खराब करूंगा तो तुम इसे दोबारा करने में टाइम लोगी, और जितना टाइम लोगी उतना टाइम मेरे साथ रहोगी ना। सुबह से शाम तक तो आपके साथ ही रहती, और कितना टाइम स्पेंड करना आपको? अगले 24 घंटे तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी ना। मेरे साथ तनु रहेगी जो मेरे साथ काम करेगी, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए तुम नहीं रहोगी, तो सोचा कि तुम्हारी कुछ यादें अपने साथ ले जाओ। आप सच कह रहे? धरती माँ की कसम, अब इतना सच बोल दिया तो एक सच और सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बैग पसंद नहीं है। आप इतनी देर से इस बैग के बारे में कह रहे थे? और नहीं तो क्या? ना खटारा बैग, ऐसे लग रहा है किसी सड़ेल टीचर का बैग। I'm a rock star, मुझे एक cool happening bag चाहिए, but is this man? तो पहले नहीं बता सकते थे, इतनी देर से टाइम पास क्यों कर रहे थे? कब से बोल रहा हूँ कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, और तुम? खुद आकर देख लीजिए कौन सा बैग चाहिए। चलो। वो वाला बैग। कौन सा? The blue one. Blue तो यहाँ। ऊपर ऊपर। वो blue वाला? वो blue वाला। बॉयज तो ब्लू ही लेके जाएंगे ना। सबसे ऊपर जो रखा वो वाला? मेरा वाला ब्लू। जो सबसे ऊपर? सबसे ऊपर क्योंकि ऊंचे लोग ऊंची पसंद। नहीं, ऊपर क्यों रखा? फिर से निकालेंगे कैसे? इतना ऊपर रखा क्यों? अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, आइडिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ। आराम से। यस यस, यू कैन डू इट। अरे जंप तो मारो। हाँ, एक मिनट, कूदो। मम्मी, बहुत थोड़ा ऊपर। एक मिनट, थ्री टू वन, कूदो। इतने से रह गया? एक और ट्राई। हाँ, और जोर से जंप मारो। पता है फुगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता, लेकिन उस जख्म अभी तक भरा नहीं है ना। छड़ी दीजिए, मेरा मतलब है छतरी, छतरी दीजिए। क्या बात कर रही हो तुम? नाराज हो गई हूँ अब, मुझे छतरी से मारोगी? अरे नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है आपके हाथ में दर्द है, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। मैं छतरी इसलिए मांग रही थी क्योंकि छतरी से मैं इस सूटकेस को खींच लूंगी। ओह अच्छा, जल्दी। कौन सी वाली दो? कोई भी दे दीजिए। ये लेडीज कलर है। थैंक यू। अटकाओ, आराम से खींचो खींचो। चले अभी? हाँ चलो। चलता मैं दादी को मिलकर।
ये आपने दूसरी बार मुझे मंगलसूत्र पहनाया। इस मंगलसूत्र को मैं पहन तो नहीं पाऊंगी, पर हमेशा अपने पास रखूंगी। कम ऑन अभी, सारी ऐड इमेज देख के नहीं की जाती, कुछ ऐड इसलिए भी की जाती है ताकि मार्केट में नाम बना रहे। आई एम श्योर आलिया ने भी ऐड इसीलिए लिया होगा ताकि सिर्फ अपर क्लास ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी तुम्हारा मार्केट बने। ऐसी बात फिर सही है, क्योंकि अभी किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। तनु अब तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं इतना थका हुआ हूँ कि कुर्सी पर भी सो सकता हूँ, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, यू गो स्लीप। अभी तुम सोने वाले हो? और नहीं तो क्या, सुबह 5 बजे उठकर वो एड शूट करने लायंस पॉइंट भी तो जाना है, लायन जो बनना है मुझे। अभी तुम इतने बोरिंग कब से हो गए? आई मीन मैं पहली बार तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ, मुझे बाहर घुमाना तो दूर, तुमने मुझसे खाना तक नहीं पूछा। ओह शिट, अच्छी मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं तुमसे पूछना भूल गया, सॉरी माई बैड। अच्छा क्या खाओगी? क्या खाओगी क्या है? चलो नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो खाना रहेगा वो खा लेंगे, कम ऑन। इट्स ओके, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आई नो तुम बहुत थके हुए। कोई बात नहीं, मैं खाना यहीं रूम में ऑर्डर कर देती हूँ, ड्रिंक्स के साथ। आई श्योर? यस। एक काम करो, तब तक तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तब तक खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती हूँ। या दैट्स गुड। अरे वॉशरूम है कहाँ? आप मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम मेरे लिए चाइनीज में कुछ मंगा ले। श्योर। जस्ट बी बैक। इसीलिए मैं तनु को अभी के साथ भेजने में डर रही थी। मुझे अब ये लग रहा है कि इस लड़की ने वही चाल चली है जो उसने पहले चली थी। वो अच्छी तरह जानती है कि अभी उससे शादी तभी करेगा जब उससे कोई गलती हो जाएगी। हाँ तो दीदी, हम सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं है हम लोग? दासी लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ है, वो लोग वहां लोनावला में। पूरा एक काम करो, तुम अभी को फोन लगा। दासी फोन करके कहेंगे क्या? तनु के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ सवाल करेंगे तो जवाब क्या देंगे? क्या उसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। पूरा तू उसे फोन लगा और कहे कि दीदी की तबीयत बहुत खराब है, दीदी सीरियस है, वो फौरन चला आएगा। वैसे भी एक दिन की शूट थी, उसका काम तो खत्म हो ही चुका होगा। लेकिन दासी दादी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे झूठ बोलकर उनके। तो चुप कर, मेरी तबीयत सचमुच थोड़ी ना खराब है, पहले उसे वहाँ से निकालना है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। पूरा तू 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 फोन लगा। मतलब ये कि मेरे इस प्लान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रज्ञा थी। तो उसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही था ना, और दादी की तबीयत खराब करने से ज्यादा इजी और क्या हो सकता है। चलो मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है कि तुम्हारे भैया बाहर आ रहे हैं। वैसे तुम एक काम करो, क्योंकि तुम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, पति दी के आंसू पोंछ। और हाँ, अगर तुम दोनों यहाँ आने की सोच भी रहे हो ना, ऐसा मत करना। वो क्या है कि जब तक तुम दोनों यहाँ पे आओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बाय। हेलो हेलो, आई थिंक फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। हमें गाड़ी भगानी होगी अगर जल्दी पहुंचना है तो। आप घर पे फोन कर देना। हाँ मैं रास्ते में फोन कर लूंगी पूरा भाभी। वो 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 कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं लग रहे हो? कहीं तुम अपनी दी को उनके घर तो छोड़ने नहीं जा रहे? मेरी बात मानो तो परमानेंटली घर छोड़ कर आ जाओ। परमानेंटली तो तुम इस घर से जाओगी, हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। तनु को इनके साथ लोनावला भेजने का प्लान तुम्ही ने बनाया था, उसके लिए तुमने अपनी दादी को बीमार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता तुम इस परिवार की हो या नहीं। इट डजंट मैटर, तुम्हारे मुझे बाहर वाले कहने से ये प्रूफ तो नहीं हो जाएगा कि मैं इस घर की हूं भी या नहीं। और जैसी भी हूं ना, तुम्हारी जैसी तो नहीं, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी कि तुम्हारे भाई के साथ रहने पर भाई को कितना खतरा होता है तुम बाज नहीं आते। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने सोचा कि ये सब कुछ करने के बाद तुम भाई से दूर हो जाओगी तो फाइनली मेरे भाई सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। और हाँ, अगर तुम दोनों को लगता है कि यहां से जल्दी जल्दी निकल कर तुम वहां पर चीजों को रोक पाओगे तो Let me tell you, it's going to be a waste of time. और हो सकता है कि जब तुम वहाँ पहुँचो तो you'll be a little embarrassed. आलिया वो तुम्हारे भाई के लगने की ज़रूरत नहीं। Let's go. जाओ जाओ, जितनी जल्दी जाना है जल्दी जाओ।
पर इस बार ना तुम टाइम को रोक पाओगे और ना ही तन्नू को। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी और ही रूम में आ गया। सब डेकोरेशन ये सब क्या है? रूम वही है अभी, बस एम्बियंस बदल गया। पर ये डेकोरेशन किस लिए? आज हमारी फर्स्ट नाइट जो है। क्या? आज हमारी फर्स्ट नाइट है जो हम अकेले बाहर निकले। सिमी, क्या हुआ? सर, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत देर तक गेट नॉक भी किया, पर किसी ने गेट नहीं खोला। वैसे मैंने बात की है कि वो कैसे भी करके रूम में फोन लगा के मेरी बात करा दे, पर उन्होंने मुझे बोला है कि तनु मैम ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया है। तो सर, अब मैं क्या करूं? इट्स ओके, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, मैं देख लेता हूं। ओके सर। क्या होगा पूरा? ना कोई फोन आंसर कर रहा है, ना दरवाजा खोल रहा है। दिया, आप टेंशन मत लो, हम बस आधे घंटे की दूरी पे, एक बार हम वहां पर पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाए। आधा घंटा बहुत होता है पूरा, प्लीज थोड़ी जल्दी चलो घर। जी। क्या हुआ पूरा? पता नहीं। क्या हुआ पूरा? लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रवि, तो पहले से ही देर हो रही थी, अब और देर हो जाएगी, हम कैसे पहुंचेंगे? दी, आप टेंशन मत लो, मैं कोई मैकेनिक देखता हूं। यहां आप वेट करो, मैं आता हूं। ये क्या? उस दवाई का तो कोई असर ही नहीं हो रहा अभी पे। अब क्या करूं जैसे ये मेरे पास आए? अगर ये मेरे पास नहीं आए तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक और दवाई डाल देती हूँ और वाइन में थोड़ी विस्की भी मिला देती हूँ। दवाई नहीं तो नशा तो अपना काम करेगा ही, और अगर दोनों काम कर गए तो अभी को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तनु, कितना टाइम और? खाना खाकर सोना भी तो है। क्या बच्चों की तरह सोना है सोना है लगा रखा है? अब ये पी कर तुम अपनी भूख प्यास सब भूल जाओगे, याद रहूंगी तो सिर्फ मैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता, पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ये सब और भी देर होते जा रही है, कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। अब जो वो तनु चाहती है वो। भी आप घबराइए मत, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब अब हमें फॉर्मूला नंबर 444 यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला नंबर 444 क्या है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, लेकिन उस तनु को मैं जीतने नहीं दूंगा। फाइनली दवाई ने अपना काम कर दिया, बस अब कुछ ही देर में अभी हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इस हनीमून के बाद हमारी शादी और प्रज्ञा का किस्सा खत्म। गोली चली थी। तुम मुझे क्यों पढ़ रहे हो? अरे, मैं तो मंगलसूत्र के पैसे भी दे दिए। यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं करण अर्जुन से। बोलो अंकल को सीधी तरह चल, वरना घसीट के ले जाऊंगी। आप हमें अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एक सुपर मॉडल हूँ और अभी की बीवी हूँ, हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, तो आप हैं इसकी वाइफ? और नहीं तो क्या, पूछ लीजिए। मैडम, वो अपने पैरों पर चल कर आ गया, बहुत बड़ी बात है, वो क्या बताएगा? पर मैं कह रही ना, मैं इनकी बीवी हूँ। मैडम, मेरा अभी तक रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितनी भी लड़कियों को पकड़ा ना, पकड़े जाने के बाद या तो किसी की वाइफ बन जाती है या किसी की बहन बन जाती है। देखिए, अपनी लिमिट में रहिए, मैं वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, मैं स्टार वाइफ। तो क्या सबूत तुम्हारे पास? एक फोटो या कोई सर्टिफिकेट कुछ है तुम्हारे पास? देख रहे हो रॉकस्टार अभी का जलवा, क्या जाता हूँ, फैंस और मीडिया पीछे ही पड़ जाते। फोटो खींचनी है? अरे खींच दे दो, फोटो खींचो खींचो।
एक्सक्यूज मी, ये मीडिया यहाँ क्यों आई है? सर हमने तो ये सोचा था कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमारे होटल में आता है तो हमारे होटल की रेपुटेशन बढ़ती है, लेकिन ये आजकल के स्टार इनका क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी इधर रॉकस्टार इधर आए थे किसी मॉडल तनु के साथ। अब हमने तो यही सुना हुआ था कि तनु उनकी फियांसे है, लेकिन पुलिस आई और बोली कि तनु उनकी कुछ नहीं लगती और ये दोनों यहाँ किसी गलत इरादे से आए थे। अच्छा ये पुलिस को किसने फोन किया? सर पता नहीं, उनको मुंबई से कोई कॉल आया था। ये पुलिस कहाँ ले गई उन्हें? सर पुलिस स्टेशन ही लेके जाएगी, वैसे लोगों को कहाँ छोड़ेगी पुलिस। फॉर्मूला नंबर 444 यूज करके मैंने अभी की इज्जत बचाई। इस फॉर्मूले के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहे। और आप टेंशन मत लो, नाक शुभनखा की ही कटेगी, अभी की नाक वैसे की वैसी रहेगी। आप बस ये सोचो कि अगर मैं ये नहीं करता तो वो तनु क्या कर देती थी। आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और आप मुझे डांट रहे हो। पूरब जो भी, देखो तुमने उन्हें तनु से बचा लिया लेकिन अब पुलिस का क्या करेंगे, दादी से क्या कहेंगे? आप दादी की टेंशन मत लो, पहले हम जाकर उन पुलिस वालों से निपटते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि वहां हो क्या रहा है और वो तनु वहां क्या कर रही है। हां जल्दी चलो। हेलो भाई साहब। हां आपको यहां पर क्यों लेकर आए? तू क्यों आया था? पता नहीं भाई साहब, मेरे को बोले घर ले जा रहे, खाना खिला रहे, पता नहीं ये कौन सी जगह पे लेकर आए। ये घर है, ससुराल है। ये आपका ससुराल? ये मेरा नहीं, तेरा मेरा सबका। नया है क्या? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? ओ एक्चुअली आप लोग दिन रात काम करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कब मॉर्निंग हो गई तो कब इवनिंग, इसलिए। पर तुम हो कौन? सर मैं पूरब खन्ना, मुंबई से। मैंने एसीपी साहब को फोन करके उस होटल की इन्फॉर्मेशन दी थी। ओ पूरब खन्ना, सर सर हैव अ सीट, सर बैठिए। आप क्यों? ये मेरी भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर आपने तो कमाल कर दिया, क्या खबर दिया आपने। मैंने तो सुना था कि मुंबई की पुलिस बहुत फास्ट है पर वहाँ के लोग तो और भी ज्यादा, मतलब आपने वहाँ से बैठे बैठे यहाँ रेड डलवा दी। इतनी अच्छी खबर तो हमारा खबर ही भी नहीं दे पाते। अगर ये लड़की बोले कि ये कांस्टेबल कदम की वाइफ है तो क्या आप इन्हें भी घर नहीं जाने देंगे? अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं सबके जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, वो मुझे पसंद है। कदम सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे सर ऐसी लड़कियों का तो काम यही होता है लोगों को बहलाना और फिर उनकी पत्नी बोल के उन्हें फंसाना। और सर देखिए आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप मुजरिम को पकड़े, आपका काम ये भी है कि आप देखें कि किसी बेगुनाह को बेवजह सजा ना हो। हाँ सर, एक बेगुनाह को सजा देने से अच्छा है कि 100 गुनहगारों को छोड़ दो। आप खुद ही देखिए, इतना नशा कराया मेरे पति को, देखिए कितनी बुरी हालत कर दी उनकी कि वो शांता और कांता में फर्क ही नहीं देख पा रही। ये शांता कहाँ से आ गई? शांता सर, शांता ये मेरी भाभी, वो मेरा भाई शांता, इन्हीं का नाम शांता। अच्छा तो आपका नाम शांता है, कोई निकू कौन है? क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं निकू को बुला दो, निकू को बुला दो, यही रट लगा रहे हैं। सर निकू इनका बेटा है, बच्चा है इनका, है ना भाभी, यही नाम रखा है ना निकू। कितना प्यारा नाम है ना निकू। तो बच्चा आपका है कहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ जेल में भिजवाओगी तो मैं हमेशा जिंदगी भर जेल में ही रहूंगी? नहीं, मुझे बाहर आने दो और आने के बाद सबसे पहले मैं अभी को सब कुछ सच बताऊंगी और तुम्हें घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या बताऊंगी? कि मैंने पुलिस पूछवाई और जब वो पूछेंगे कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि पुलिस ने तुम दोनों को अरेस्ट कर लिया, और तब क्या कहूंगी जब वो कहेंगे कि उन्हें इस रात की कोई बात ही याद नहीं? बता दोगे उन्हें कि तुमने उन्हें इतनी शराब पिलाई और शराब में शायद कोई नशे की गोली वगैरह मिलाई थी ना? रहने दो, जब वो पूछेंगे तो उन्हीं को जवाब दे दो। अच्छा तो यहाँ पर लाइट ऑफ करके मुझसे मसाज करा के ये महारानी चैन की नींद सो रही है, अभी बताती हूँ इसे। हरिया उठो नहीं तो मैं पानी डालकर तुम्हें उठा दूंगी। ये क्या बदतमीजी है, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं, सेवा कराने का इतना ही शौक है ना मुझसे तो सच बोलने की हिम्मत भी दिखाओ। झूठ बोलकर तो मैं भी किसी से भी सेवा करा सकती हूँ, अपनी सास से भी सेवा करा सकती हूँ। आलिया उठ रही हो नहीं तो मैं ना
रात को क्या खाया था? खाक खाया था, बोल तो रहा हूँ भूख लग रही, बस पिया था। क्या पिया था? पता नहीं, तनु ने कुछ पिलाया था पर पता नहीं क्या पिलाया। अभी ठीक से याद कर क्या पिलाया था। स्वाइन। वाइन। वाइन पीने से ऐसा तो नहीं होता, कहीं उसने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं था? अभी ठीक से याद कर उसने वाइन में कुछ मिलाया था या नहीं। क्यों नहीं हूँ? आलिया मैं जेल में हूँ। What? हाँ, please आप आके मेरी बेल करवा दो वरना मैं क्रिमिनल्स के साथ रह के क्रिमिनल हो जाऊंगी, प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंची? आलिया ये सब कुछ बताने का फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास। तुम जब यहाँ पे आओगी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि प्रज्ञा और पूरब ने मिलकर मुझे यहाँ पे फंसाया है पुलिस स्टेशन में और अभी को लेकर चले गए। प्लीज आलिया तुम यहाँ लोना बुला आ जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज मेरी बेल करवा दो। और तनु तुम भी ना यार, अपना काम तो ठीक से कर नहीं सकती हो और उसके ऊपर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना गई हूँ, मुझे फंसा के गए वो दोनों। क्या फंसा के गए? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें जितना डांटना है तुम बाद में डांट लेना, पर प्लीज यहाँ से आके मुझे बाहर निकालो। आई एम सॉरी, मैं नहीं आने वाली। मैं पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारे साथ साथ पता चला मेरी भी इमेज खराब हो गई, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सो आई एम नॉट गोना कम देयर। तू ये क्या बोल रही है आलिया? तुम मेरी दोस्त हो। लेकिन याद रखना तनु, मैं सिर्फ इस बार आ रही हूँ और अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ दोबारा फिर से किया ना तो याद रखना तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं। मैं नहीं करूंगी, प्लीज आ जाओ। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे नहीं खाना, आप खाइए प्लीज। पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। आपको कैसे पता मैंने नहीं खाया? देखो मैं आंखों में देख के ना सब पता लगाया। अच्छा, और क्या पता लगाया आपने? पहले चश्मा हटाओ। क्या? ये चश्मा क्यों पहनती हो तुम? मेरी नजर कमजोर है इसीलिए पहनती हूँ। उसके लिए तो पूरी दुनिया चश्मा पहनती, तुम जो ना किसी और ही वजह से पहनती। अब आप ही बता दीजिए किस वजह से पहनते। तुम कुछ छुपाना चाहते, मतलब तुम्हारे दिल में कोई राज है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते। डरती हो? एक बात बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो अगर मुझे पता चल गया तो भूकंप आ जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी दिल की बात आपको पता चले। अरे क्या कर रहे हैं आप? अब मैं बताता हूँ, डोंट यू भाई आओ। अरे आलिया तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में? अरे यहीं आना था तो पहले बता देती ना, हम तुम्हें साथ ही ले आते।
वैसे टेंशन मत लो, मैंने अभी को छुड़वा लिया। कोई बात नहीं, हम साथ नहीं आए तो साथ वापस तो जा सकते हैं ना। कम इसको। अरे भाई चलो। ओहो मैं तो भूल ही गया, तुम यहाँ अपने भाई के लिए नहीं, तुम तो यहाँ अपनी दोस्त के लिए आई हो, राइट? तनु की जमानत कराने आई हो ना तुम। अरे पड़े रहने दो उसे थोड़े दिन जेल में, थोड़े दिन जेल में रहेगी तो अकल आ जाएगी। देखो तुम तनु की जमानत करा के ना बिल्कुल ठीक नहीं कर। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो पूरा, इतने अच्छे घर से हो लेकिन फिर भी एक लड़की के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया तुमने। इल्जाम घटिया नहीं, घटिया वो लड़की है जो अभी को उस होटल रूम तक ले गई, और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रही? तुमने अपने आप को देखा है? तनु से ज्यादा घटिया तो तुम मुझे लगती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्लान उसका हो ही नहीं सकता। तुमने उसे बोला होगा ऐसा करने का। तनु का तो अभी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुमने अपने अपने ही भाई को बलि का बकरा बना दिया। अरे एक बहन होके तुम अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? अगर तनु की जगह तुम अंदर होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। पावी जी ठीक है जी? पावी जी कैसे? पावी जी तू बता तू कैसे है? तू बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई, आजकल तो इतना गाड़ी आती है ना, तू आता है गैरेज पर। अब पाजी आजकल गाड़ियां ऐसी बनती है कि खराबी नहीं होती, तो कम से कम फोन तो कर लेता। फोन तो